नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। अभी अभी देश भर के कई हिस्सों में जारी हुआ रेड अलर्ट कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट विभाग की तरफ से सामने आ रहा है। मौसम विभाग ने आज रात तक सावधान रहने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आंधी और तूफान से जुड़ा भी एक बड़ा अलर्ट सामने आ रहा है। IMD के मुताबिक आज भी बेंगलुरु में जमकर बारिश होगी। वहीं दिल्ली में उमस और गर्मी बरकरार रहेगी। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो चुकी हैं। कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर चुका है। पानी ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि कई लोग पलायन कर चुके हैं। आपको बता दें, आज भी वेदर रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, तो कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है का अनुमान भी मौसम विभाग ने बताया है। वही मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। इधर बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। इनके अलावा दक्षिण गुजरात और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश के आसार विभाग ने बताए हैं। आगे भी इससे जुड़ी पल पल की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें जरूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।